कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? लो, मैं फिर से आ गई आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर। बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलता है कि जिसे आप पाना चाहते हैं या जैसा आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, तो आपका मन बदल जाता है। बच्चों, अक्सर ऐसा कई लोगों के साथ होता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि इंसान वही बनता है जैसा वो खुद को बनाना चाहता है। ये कहानी आज आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख देगी, इसलिए ध्यान से सुनना। बहुत पहले की बात है, एक गांव में इकबाल नाम का एक शिल्पकार रहता था। बच्चों, शिल्पकार उन्हें कहते हैं जो लोग मिट्टी से बर्तन या मूर्ति बनाने का काम करते हैं। समझ गए ना? याद रखना। इकबाल मूर्ति बनाकर अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, इकबाल मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसे एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिला। पत्थर देखकर इकबाल बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मूर्ति बनाने के लिए ये पत्थर एकदम सही है। इकबाल ने पत्थर उठाया और गांव की ओर चल दिया। जब वो घर लौट रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। वो पत्थर भी इकबाल को मूर्ति बनाने के लिए ठीक लगा। इकबाल ने उस पत्थर को भी उठा लिया और दोनों पत्थर अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने अपने औजार उठाए और पत्थरों पर कारीगरी करनी शुरू कर दी। जैसे ही इकबाल ने पत्थर पर औजार चलाया तो पत्थर से आवाज आई, मुझे छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा, तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वो पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। जैसे ही गांव के लोगों को मूर्ति बनाने की बात चली, गांव के लोग उस नई मूर्ति को लेने के लिए आ गए ताकि मूर्ति को पूजा अर्चना के लिए स्थापित किया जाए। गांव के लोगों ने इकबाल से बात की और मूर्ति को ले लिया। गांव के लोगों ने सोचा, जब इस मूर्ति की पूजा की जाएगी तो लोग नारियल भी फोड़ेंगे, नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी। उन्होंने वहां रखे दूसरे पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी दूसरे पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति की फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान करवाता और जो पत्थर बाहर था उस पत्थर पर नारियल फोड़ता। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वो पत्थर बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता और वो चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात की और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान करवाते हैं, लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़कर चले जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज तुम मेरी जगह होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अब तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं कोई भी शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर भी रखने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें कभी भी मेहनत से नहीं भागना चाहिए। कठिन परिश्रम हो, संघर्ष हो, इससे जी नहीं चुराना चाहिए। जब आप मेहनत के औजार से खुद को तराशोगे तभी तो आप सफल बनोगे।
इसलिए हमें मेहनत करके खुद को मजबूत बनाना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनका हाल उसी पत्थर की तरह हो जाता है जैसा नारियल फूटने वाले पत्थर का हुआ।